चाहे सामान्य दिन हो, छुट्टियों का दिन हो, मौसम हो, त्योहार हो, ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना आजकल आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे दलाल होते हैं जो आपका टिकट कंफर्म करवा देते हैं। अब इन टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने नई रणनीति बनाई है। आरपीएफ अब देश के 65 रेल मंडलों में ट्रेनों की बुकिंग पैटर्न पर रिसर्च करेगा। टिकट बुक होने के डेटा के अध्ययन से उन ट्रेनों की चिन्हित किया जाएगा जिनमें दलालों के माध्यम से यात्रियों को सीट मिल पाती है। ऐसे बुकिंग वाले टिकटों के भुगतान के माध्यम और बैंक खातों और कार्ड की जानकारी जुटाकर दलालों पर लगाम लगाई जाएगी। टिकट दलालों से न केवल रेलवे की छवि खराब हो रही है बल्कि वाजिब यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। देश भर में फैले टिकट दलालों के जाल को तोड़ने के लिए आरपीएफ की साइबर सेल को इस रणनीति के केंद्र में रखा गया है। इसके लिए अलग से टीम का गठन किया जा रहा है और IRCTC के डेटा सेंटर से सीधे डेटा ले सकेंगे। अधिक बुकिंग वाले यूजर आईडी के मोबाइल नंबर, उनके पते, टिकट पर यात्रा करने वाले लोगों के मोबाइल, उनके पते, भुगतान जिस बैंक या कार्ड से हुआ है उसकी डिटेल लेकर सत्यापन किया जाएगा। फिर कालाबाजारी करने वालों की पूरी सूची तैयार की जाएगी। आरपीएफ ने 26 अक्टूबर से 4 नवंबर के दौरान देश भर में कार्रवाई कर 528 दलालों को पकड़कर उनसे 2800 टिकट बरामद किए हैं। 2017 में कुल 1261 दलालों से 11500, 2018 में 2391 दलालों से 78000 के टिकट बरामद किए गए थे। कई बार दलाली कर पकड़े गए लोगों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और ऐसे लोगों के आपराधिक मामले सामने आने पर रेलवे कोर्ट में केस के साथ भेजी जाएगी और दलालों पर लगाम लगाया जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।